मतलब यार लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, एसी नहीं है, फैन नहीं लग नहीं चल रहा है। आपको तो बोलना चाहिए वाह सैमा वाह, मतलब पसीने में बैठकर भी तूने मेकअप कर दिया, क्या बात है सैमा, क्या बात है। तो चलते हैं इस मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ, इस मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ। वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ सैमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिगनर्स के लिए मेकअप का एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, जो कि मैंने आपको बताया है इसमें कि कैसे आप लोग बिना आई शेडो और ब्लश ऑन और बहुत सारी चीज़ें जो मेकअप से रिलेटेड होती है, जिनको जिनके पास अवेलेबल नहीं है, जो नया नया मेकअप करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो में बने रहिए एंड तक के, और देखिए आप लोग किस तरह से ईजीली अपने मेकअप को अच्छे से कर सकते हो। आप लोग अगर रोज़ मेकअप लवर हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो में बने रहना है, क्योंकि मैं भी एक डेली मेकअप लवर हूँ, मुझे डेली हल्का हल्का मेकअप करना बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ही हो तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, और देखिए मैंने पाव भाजी कैसे देखिए मैंने कैसे किया है मेकअप, ये जोक था, तो मैंने कैसे किया है मेकअप डेली बेस पर। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, एज अ प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्टोकैलामाइन, क्योंकि ये मेरी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज भी करेगा और मेरे मेकअप को जो है वो वाटरप्रूफ रहने में मदद भी करेगा। तो मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा है मैं लैक्टोकैलामाइन आपको सजेस्ट करूँगी। जो भी बिगनर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा यू नो प्राइमर्स और वो सब के सेक्शंस नहीं है अभी तक, और वो लोग बहुत ही स्टार्टिंग वे से मेकअप करना चाहते हैं डेली के लिए, तो उनके लिए लैक्टोकैलामाइन से अच्छा कुछ नहीं होगा। या तो आप लैक्टोकैलामाइन यूज़ करो, या तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर। तो मैं कर रही हूँ एज अ प्राइमर यूज़ लैक्टोकैलामाइन, और इसको डैब डैब करके मेरी स्किन पर मैं अपना अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है आपका फेस। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जैसे कि बीबी क्रीम हो या सीसी क्रीम हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको डेली के लिए अगर मेकअप करना है तो आप लोग बीबी या सीसी क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से अच्छा रिजल्ट तो इसका नहीं है, बट अब है तो लगाना तो पड़ेगा ही, तो मैं नायका की बीबी क्रीम यूज़ करूँगी। आप लोग भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ही यूज़ करना डेली के लिए। अगेन इसको डैब डैब करके ही हमको लगाना है। अगर किसी को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है वो लोग डार्क सर्कल्स को भी इससे कवर कर सकते हैं। देन मैं इसको फिर अपने ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। आप लोग स्पंज की मदद से भी कर सकते हो और हाथ की मदद से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई भी मेकअप ब्रश या मेकअप प्रोडक्ट अवेलेबल हो इस चीज़ के लिए। ये आप लोग देख सकते हो डार्क सर्कल्स पूरी तरह से इससे कवर हो गया है। आपके पास जो भी ब्रांड का जो भी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जो कि है लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, मैं नाम भी भूल जाती हूँ। कॉम्पैक्ट लगाने से ये हमको फ़ायदा होता है कि हमारा जो बेस है, मतलब जो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या फाउंडेशन जो भी है वो अच्छे से सेट हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हो एक साइड मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है और ये अच्छे से सेट कर चुका है मेरे जो बीबी क्रीम को, और यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आई शेडो का। तो आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने मेकअप एक लिपस्टिक से मैंने आई शेडो एंड ब्लश ऑन भी यूज़ किया था। आज भी डेली बेस पर जो मेकअप हो रहा है तो इसीलिए मैं लिपस्टिक का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि बिगनर्स जो है जो नया नया मेकअप सीख रहे हैं उनके पास ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अवेलेबल। तो मैं आज ये न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मिस क्लेयर की ये लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक फॉर्म में है और ये बहुत ही अच्छे से यू नो ब्लेंड हो जाएगी। ये बहुत ही लाइट शेड है क्योंकि डेली है ना, तो ज़्यादा यू नो तड़ाकेदार मेकअप नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए इसको नॉर्मली रहने देते हैं। अब मैं अपनी फिंगर की मदद से
MN का मस्कारा यूज़ करने जा रही हूँ। मस्कारा हमारे मेकअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि इससे जो हमारी लैशेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लगती है और ऊपर से घनी भी लगती है। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। और ये मैंने यूज़ की है MN की लिक्विड लिपस्टिक जो कि है वाटरप्रूफ, और ये सिर्फ मुझे मिली थी 100 रुपीज़ में। और ये मैंने लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है। और ये मेरा जो बिगनर्स के लिए डेली वाला जो मेकअप था, डेली में आप लोग कैसे मेकअप करें स्टार्ट टू एंड, मैंने इसमें बता दिया है। आप लोग जो भी आपके पास जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो उसको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, एक लिपस्टिक को आप लोग लिपस्टिक, ब्लश ऑन और आई शेडो कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा और आप लोग घरों में बिल्कुल ही इसको ट्राई करना चाहोगे। फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है रोज़ के लिए आपको यूज़ करना है सिर्फ बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट या आप लोग कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो फीडबैक भी बताइएगा, और वीडियो लाइक करना ना भूलेगा कोई भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ और फिर कोई रेमेडी या ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय।